आदरणीय मित्र, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आज का विषय है संभोग से समाधि, कोषों की जांच पड़ताल। एक बहुत ही चर्चित दार्शनिक हुए अपने देश में, ओशो रजनीश, भगवान रजनीश, आचार्य रजनीश, और आज ओशो के रूप में समूचे वर्ल्ड में वे विख्यात हैं। और उनकी ख्याति में उनका एक दर्शन, फिलॉसफी, कि संभोग से समाधि की प्राप्ति संभव है। ये दर्शन, फिलॉसफी, मील का पत्थर साबित हुआ और इस फिलॉसफी ने उन्हें बहुत ज्यादा ख्याति दिलाई। उनका कहना था कि समाधि में क्या होता है, मन रुक जाता है, शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। और संभोग में क्या होता है, संभोग में भी अंतिम समय में मन शांत, स्थिर और एकाग्र हो जाता है, रुक जाता है मन। हां, क्षणिक होता है, अगर उन क्षणों को बढ़ाया जा सके तो समाधि की प्राप्ति हो सकती। संभोग के बाद जो समाधि मिलती है, क्षणिक समाधि है, और अपने अभ्यास के द्वारा उसे आप लंबा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये दर्शन है ओशो का। आइए हम इसकी ठीक से जांच पड़ताल करते हैं, और जांच पड़ताल के क्रम में हम आपको चार पांच तथ्य, चार पांच बातें बताएंगे। आप उन पर थोड़ा सा चिंतन मनन करेंगे तो बातें स्पष्ट हो जाएंगी। संभोग का केंद्र कहां है? रीढ़ का निचला भाग। और समाधि का केंद्र कहां है? रीढ़ का अंतिम सिरा। दोनों दो ध्रुव हैं और एक का संबंध है अपान प्राण से, दूसरे का है व्यान प्राण से। एक का संबंध है मूलाधार स्वाधिष्ठान चक्र से, तो दूसरे का संबंध है सहस्रार चक्र से। संभोग और समाधि दिखने में शायद एक जैसे लगते हों कुछ लोगों को, जैसे हीरा और शीशा एक जैसा लोगों को दिख सकता है, जैसे कि रत्न और रंगा हुआ शीशा एक जैसा दिखता है कुछ लोगों को, जिन्हें गहरी उसकी पहचान नहीं है उन्हें। और ऐसा ही है संभोग और समाधि। संभोग शीशा है, चमकता हुआ शीशा जो दिखता है रत्न के ऐसा, जो दिख गया हमारे ओशो को। समाधि एक मंदिर है, सामने पहाड़ी पर एक मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत। और हम ज्यादा दूर नहीं है उससे, दिख रहा है वह भव्य, सुंदर, दिव्य। लेकिन हमारे बीच में एक गहरी खाई है, बहुत गहरी खाई, जिसे हम चलकर पार नहीं कर सकते। रास्ता है थोड़ा घूमकर। और अगर हमें मंदिर तक होगा जाना तो क्या करेंगे? तो घूम कर के ही जाएंगे ना, क्योंकि सीधा रास्ता जो है, जो नजदीक दिखता है कि एकदम सही सामने तो है, उस रास्ते से हम जा नहीं सकते। हमें घूम करके ही थोड़ा जाना होगा। ऐसा आप पहाड़ी क्षेत्रों में शायद देखे होंगे, और वही रास्ता घूम कर जाने वाला मंदिर तक का जो रास्ता है, वही है योग, वही है योग मार्ग। योग मार्ग में 8 होती हैं सीढ़ियां,
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ठीक है, तो समाधि आठवीं सीढ़ी है, आठवां स्टेप। और संभोग, संभोग तो यम के भी नीचे, यानी कि वो तो सीढ़ियां ही नहीं है, समतल धरातल है आम जीवन का, वह तो ढलान है जीवन का, वो सीढ़ी नहीं, वो चेतना के विकास की सीढ़ियां नहीं। संभोग से समाधि कुछ वैसा ही है जैसे कि आप जाना चाहे अमेरिका और आपको दिखा दिया जाए मैप में कि भाई देख लो यही है अमेरिका, घूम लिया तुमने अमेरिका, इसकी बनावट देखो, इसकी लंबाई चौड़ाई नाप लो ना, इतना वर्ग किलोमीटर है, नक्शे में अमेरिका को देखना, वैसा ही है संभोग में समाधि को देखना। समाधि और संभोग दो विपरीत ध्रुव। संभोग में भी मन शांत होता है, एकाग्र होता है, लेकिन क्षणिक होता है, जब तक कि कम से कम 3 घंटे तक मन एकाग्र शांत नहीं हुआ तब तक सच्ची समाधि नहीं हुई। और संभोग के बाद मन 3 घंटे तक शांत एकाग्र रहता नहीं, अरे 3 मिनट भी शायद रहता हो किसी का, नहीं रहता। संभोग से प्राप्त सुख वैसा ही है जैसे कि आपको हो जाए कहीं पर खाज खुजली, आपने खुजलाया और आपको खुजलाना अच्छा लगता है, आनंददायक लगता है, और बस एक क्षण के बाद वो आनंद समाप्त। संभोग से समाधि कुछ वैसा ही है कि जैसे कि आप बालक को बंदूक पकड़ा देते हैं, अरे प्लास्टिक की बंदूक, नकली बंदूक, खिलौने, और कहते हैं कि देखो देखो बेटा ये है तुम्हारा गन, लो 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 पकड़ो और गुंडे को मारो, धड़ 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 धड़। ऐसा ही कुछ संभोग से समाधि। हाँ, समाधि का एहसास झलक अवश्य है, लेकिन उसके द्वारा समाधि की होगी प्राप्ति ऐसी बात नहीं है। दोस्तों, संभोग से समाधि एक मृग मरीच का है, जैसे हिरण जल की खोज में रेगिस्तान में दौड़ लगा रहा हो। हाँ, लेकिन इतना अवश्य है कि बिना संभोग को समझे आप समाधि को भी प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए कि हमारा आपका जन्म ही हुआ है संभोग से, तो संभोग को समझना होगा, क्योंकि बिना पहली सीढ़ी पर रखे पैर अंतिम सीढ़ी को आप नहीं कर सकते हैं प्राप्त। संभोग जीवन का आरंभ है, इसलिए हम अपने आरंभ को झुठला नहीं सकते, लेकिन इससे समाधि मिल जाए ऐसा भी नहीं है, इससे तो बहुत आगे बढ़ना होगा। और अष्टांग योग को अपनाना ही होगा, लेकिन ओशो के भी विचार तो विचारणीय हैं कि संभोग से काम से भागो मत, इसका सामना करो, ये अपने आप हो जाएगा समाप्त, इसका बन जाओ साक्षी, बन जाओ दृष्टा, बन जाओ, ये काम समाप्त हो जाएगा।
और बिना इससे ऊपर उठे समाधि संभव नहीं। ओके, आप अपनी राय, अपना विचार हम तक जरूर भेजेंगे। धन्यवाद।